कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन वाकई में नाम में बहुत कुछ रखा है, और इतना कुछ रखा है कि नाम आपके सितारों को, आपके तारों को और आपकी किस्मत को बदल सकता है, चमका सकता है। और इसीलिए आप देखिए लोग नाम की स्पेलिंग में, नाम की चीजों में परिवर्तन करते रहते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपके तारे में आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे, और बात होगी आज इसी नाम की। आपके नाम का पूरा मामला क्या है, क्या स्पेलिंग बदलने से भाग्य बदलता है, और क्या नाम में ही किस्मत का मामला छुपा हुआ है, ये आज जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। नक्षत्र है आज का ज्येष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे, वृश्चिक राशि में रहेंगे। राहु काल का जो समय होगा वो होगा सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 तक, और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी आज। इस दिशा में यात्रा ना करें तो ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर नाम का महत्व क्या है, क्या नाम संयोग से मिलता है या इसमें भी किस्मत का खेल है, कैसे मिलता है नाम और नाम का महत्व क्या है। देखिए, नाम जो होता है ना, वो किसी व्यक्ति के मानसिक शारीरिक संरचना को व्यक्त करता है। जो लोग नाम को पढ़ना जानते हैं वो केवल नाम जानकर ही बहुत कुछ बता सकते हैं। केवल नाम से ही किसी व्यक्ति के जन्म जन्मांतर तक को भी आप जान सकते हैं, और नाम से व्यक्ति का स्वभाव, उसका आकार, उसका रूप, रंग और गुण, ये तमाम चीजें निर्धारित होती हैं। नाम काफी हद तक किसी व्यक्ति के भाग्य पर सीधा असर भी डालता है। ऐसा नहीं कि नाम जो है वो कुछ रखा ही नहीं है, कुछ भी नाम रख लो, नहीं, ये आपकी किस्मत को प्रभावित करता है। और व्यक्ति का जो नाम है ना, ये कोई संयोग नहीं है कि कुछ भी मन में आया रख लिया। आपको लगता होगा कि आपने ऐसे ही रख लिया, लेकिन किसी भी व्यक्ति का नाम उसके कर्म और संस्कारों की वजह से उसको मिलता है। जिस नाम से आप दुनिया में जाने जाते हैं वो नाम दरअसल किस्मत तय करती है, कोई और तय नहीं करता। और जीवन में सारा आकर्षण, सारे रिश्ते, सारे उतार चढ़ाव आपके नाम पर निर्भर करते हैं। क्या नाम की स्पेलिंग बदलने से किस्मत बदल सकती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, आपकी आर्थिक स्थिति आज अच्छी बनी रहेगी, संतान पक्ष की चिंताएं दूर होंगी, लेकिन नौकरी में कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज की सलाह यह है कि सेहत के मामले में लापरवाही न करें, बाकी चीजें खुद ठीक हो जाएंगी। वृष राशि, रोजगार की स्थितियां बहुत अच्छी हैं आज, आर्थिक पक्ष भी बहुत अच्छा है, घूमने फिरने के मूड में हैं, खूब मार्केटिंग करने वाले हैं आज। आज की सलाह यह है कि सब कुछ बड़ा अच्छा है तो आप बुरे ना बने, अपने परिजनों के साथ, अपने लोगों के साथ व्यवहार ठीक रखें। मिथुन राशि, जीवन में नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं, कोई शुभ समाचार भी आपको मिल रहा है, लेकिन सेहत आज बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती, सेहत का ध्यान रखेंगे। आज की सलाह यह है कि धूप बड़ी तेज है, धूप में न घूमें और खान पान का बहुत ध्यान रखें। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम जो रखा गया वो गलत है, क्या मेरा नाम सही है, क्या नाम गलत और सही होता है क्या, आइए आपको बताते हैं। कभी ये मत सोचिए कि आपका नाम गलत है या सही है, क्योंकि आपका नाम आपको अपने संस्कारों की वजह से मिला है। अगर नाम का प्रभाव नकारात्मक संस्कार व्यक्त करता है तो आपको संस्कारों को बेहतर करने की जरूरत है। अगर नाम दुर्योधन है तो स्वभाव को अच्छा करिए, और अगर निगेटिव संस्कार वाला कोई नाम है तो कृपा करके ऐसा नाम बदल दें। अगर नाम का प्रभाव सकारात्मक है तो अपने संस्कारों को बदलकर नाम के हिसाब से रहिए। नाम है आपका शिव और रहते हैं गलत कार्यों में इन्वॉल्व, तो नाम आपके लिए बुरा असर पैदा करेगा। अगर आप अपने नाम के अनुरूप अपना स्वभाव रखते हैं तो इसके बेहतरीन परिणाम मिलेंगे, और अगर आपका स्वभाव नाम से उल्टा होगा तो जीवन में संघर्ष की मात्रा बढ़ जाएगी। इसलिए नाम अच्छा बुरा नहीं होता, नाम के हिसाब से आपको अपने काम को भी मैनेज करना होगा, बेहतर बनाना होगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का आज का राशिफल क्या है। कर्क राशि, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक बनी हुई है, आर्थिक दशा बहुत अच्छी है, कारोबार में सुधार का योग भी दिख रहा है। बेवजह आपको क्रोध आ रहा है, आ सकता है। देखिए, आज की सलाह यह है कि चीजें बहुत अच्छी हैं, क्रोध ना करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। सिंह राशि, छोटी सी बात को लेकर परिवार में वाद विवाद की नौबत आ सकती है, लेकिन याद रखिए कि जो चीजें बिगड़ी हुई हैं उनको सुलझने में समय लगेगा।
किसी महिला की सहायता से आज लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। आज की सलाह ये है कि धन संपत्ति को लेके, जरा सी जमीन जायदाद को लेके बेवजह विवाद ना करें। कन्या राशि, धन लाभ के सुंदर योग बन रहे हैं, आपके परिवार में मंगल कार्य की संभावना बन रही है और इन सबसे बेहतर क्या है, आपके टूटे हुए रिश्ते रास्ते पर आ रहे हैं। आज की सलाह ये है कि अपने समय का सदुपयोग करें और रिश्तों को संभाल कर सहेज कर रखें। क्या नाम बदलने से भाग्य बदलता है, पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। जगतपुरी से, नई दिल्ली से वैशाली शर्मा ने हमें मेल लिखा है। जन्म की तारीख है 10 सितंबर 1982, जन्म का समय है दोपहर में 2:15, जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं कि फिलहाल गवर्नमेंट टीचर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे, अनुबंध पे, और गवर्नमेंट जॉब इनकी कब पक्की होगी, उसकी संभावनाएं क्या हैं। वैशाली, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की, आपकी राशि बनती है वृषभ, चंद्रमा बैठा हुआ है छठे खाने में जो दो बातें बताता है। एक तो नौकरी के परमानेंसी में थोड़ा वक्त लगेगा और दूसरी बात क्या है, सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। तो एक तो अपने पाचन तंत्र का, पेट का, हार्मोन्स की प्रॉब्लम का और मोटापे का ध्यान रखिएगा। दूसरा, नौकरी के बेटरमेंट का जहां तक सवाल है, जनवरी में शनि धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो जनवरी 2017 से लेकर जून 2017 का जो समय होगा इसमें सरकारी नौकरी आपको मिल जानी चाहिए शिक्षा क्षेत्र में। अभी के लिए दो उपाय करें, एक पन्ना नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में बुधवार की शाम को धारण करें आप, और सुबह रोज उठ के स्नान करके गायत्री मंत्र का 108 बार जप जरूर करेंगी ताकि जो सूर्य की ऊर्जा है उसका पूरा पूरा फायदा आपके भाग्य को मिल सके। अब एक जानते हैं बड़ा सवाल कि क्या नाम बदलने से भाग्य बदलता है, स्पेलिंग बदलने से कोई लाभ हानि होती है, क्योंकि बड़े सारे लोग अपने नाम में स्पेलिंग्स बदल देते हैं, कितने ए लगा लिए, कितने क्यू लगा लिए, स्पेलिंग बदल ली, क्या मामला है। देखिए, अगर हम नाम की बात करें तो नाम का संबंध आपके जन्म से होता है, इसलिए नाम बदल देने से संस्कारों में परिवर्तन हो जाता है पूरा का पूरा। केवल स्पेलिंग बदलने से बहुत अंतर नहीं होता, थोड़ा बहुत अंतर होता है, बहुत स्लाइट, बहुत कम, लेकिन बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, बड़ा लाभ चाहते हैं तो पूरी पूरी स्पेलिंग बदलिए या पूरा पूरा नाम बदलिए जिससे कि साउंड बदल जाए। किसी का नाम राम है उसमें कई ए लगा देंगे फिर भी बोलेंगे तो राम ही ना, लेकिन अगर राम का नाम बदल के मोहन कर दें, साउंड बदल दें, पूरा पूरा नाम बदल दें, तब पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इसीलिए अगर आपको जिंदगी में बिगेस्ट बदलाव चाहिए तो पूरा नाम बदलना होगा, उसमें स्पेलिंग बदलने से बड़ा फायदा नहीं होगा। जब हम नाम बदलने जा रहे हैं तो क्या क्या ध्यान रखेंगे, इस पर बात होगी लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि के हाल के बाद। तुला राशि, प्रेम संबंधों की शुरुआत के योग है, नौकरी की स्थितियां लगातार बेहतर बनी हुई हैं, संतान की चिंता भी दूर हो रही है, चीजें ठीक हो रही हैं, इसकी सलाह यही है कि प्लानिंग करके काम करें। वृश्चिक राशि, विवादों के मामले में, मुकदमे के मामले में लापरवाही ना करें और हड्डियों में कोई दिक्कत होता है डॉक्टर से जरूर मिल लेंगे। देर शाम कहीं घूमने फिरने जाएंगे, थोड़ी सी व्यस्तता मनोरंजन में दिखाई दे रही है। आज की सलाह ये है कि घूमने टहलने में, वाहन चलाने में सावधानी रखें ताकि चोट की चपेट में ना आ जाएं। धनु राशि, रुके हुए तमाम काम आज बनेंगे आपके, अगर विवाह संबंधी कोई भी अड़चन है, चाहे वो तय होने की हो, चाहे विवाह चलने की हो, वो बाधा दूर हो जाएगी। दौड़ भाग थोड़ी सी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। आज की सलाह ये है कि जो योजनाएं आप बना रहे हैं सफलता के लिए उनको गोपनीय रखेंगे तो अच्छा होगा। अब ये जानते हैं कि जब हम नाम रख रहे हैं या नाम बदल रहे हैं तो उसमें क्या क्या सावधानियां रखेंगे। देखिए, नाम का अर्थ जरूर होना चाहिए और अर्थ से एनर्जी आए, अर्थ से शुभता दिखाई देनी चाहिए। केवल मनोरंजन के लिए ग्लैमरस नाम न रखें, नाम थोड़ा लंबा हो और अगर नाम के साथ उपनाम हो, टाइटल हो, तो बड़ा अच्छा होगा। अगर आपने अपना नाम बदला है तो पहले कागज पर नाम लिख के भगवान के चरणों में रख देना चाहिए और अपने नाम का जो इनिशियल है वो ऐसा होना चाहिए कि एक ही तरह के दो अक्षर हो, जैसे ए ए हो, पहला अक्षर दूसरा अक्षर, या जो पहला अक्षर दूसरा अक्षर है उन दोनों में बहुत गैप ना हो, यानी पहले अक्षर ए से शुरू हुआ और दूसरा जो टाइटल है वो पी से शुरू हुआ, तो दोनों में काफी गैप होगा। ये अंतर लंबा नहीं होना चाहिए वरना जीवन में संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का हाल। मकर, कार्यक्षेत्र की स्थिति उत्तम बनी रहेगी, सेहत में सुधार की स्थितियां भी लगातार दिखाई दे रही हैं, लेकिन कर्ज के लेन देन में दिक्कतें आ सकती हैं।
आज की सलाह ये है कि धन के मामले में कोई भी लापरवाही ना करें तो अच्छा है। कुंभ राशि, आलस्य की स्थिति दिखाई दे रही है, निद्रा की मुद्रा में है, परिवार में बहुत अच्छा माहौल नहीं है और बिना कारण के चीजों को लेकर चिंता में दिख रहे हैं। आज की सलाह ये है कि कोई खास दिक्कत नहीं है, इसलिए कल्पना में समस्याएं पैदा न करें। मीन राशि, विवाह की समस्याएं सुलझ जाएंगी, आपको उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा और कहीं घूमने जाएंगे जिससे मन आपका बेहतर होगा। आज की सलाह ये है कि विवाह के मामलों में अहंकार से बचें, चाहे शादी तय होने की बात हो चाहे वैवाहिक जीवन की बात हो। ब्रेक पर जाने के पहले नाम की चर्चा की, नाम का रहस्य बताया और ये भी बताया कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। अब बात करेंगे उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है आज 23 मई को, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं, पूरा वर्ष आपके लिए आर्थिक रूप से बड़ा अच्छा रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, धन का, संपत्ति का, वाहन का लगातार लाभ होता रहेगा और सेहत भी कुल मिला के ठीक रहेगी। इस साल की मुश्किल ये है कि पारिवारिक जीवन में दिक्कत ना आ जाए और प्रेम संबंध, जो रिलेशनशिप का मामला है, उसमें दिक्कत ना आए, इसका आपको ध्यान रखना होगा। पूरे वर्ष की सलाह ये है कि पूरे साल आप हल्के हरे रंग के वस्त्र पहने, बड़ा अच्छा होगा, और हर बुधवार को पशुओं को चारा खिलाएं ताकि बुध की ताकत मिलती रहे और वर्ष आपके लिए बेहतर बना रहे। आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपके दिन भर के हाल के साथ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।